अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। गोपालगंज में 27 वर्षीय युवक की अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। वही हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पश्चिम चंपारण के गोविंदगंज इलाके में नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सिधवलिया के सलेमपुर गांव की बताई जा रही है। हत्या से पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट को बेहद ही निर्मम तरीके से कुचल दिया गया था। रात भर उसे पेड़ से बांध कर मारा गया, तब उसकी हत्या की गई। पीड़ित परिजनों ने हत्या से पूर्व का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें युवक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। मृतक का नाम अजय सहनी है और वह सिधवलिया के सलेमपुर निवासी रामचंद्र सहनी का पुत्र है। मृतक की मां जीवित देवी ने घटना से 3 दिन पहले ही सिधवलिया थाना में अपने बेटे की अपहरण करने की गुहार लगाई थी। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। मृतक की मां का आरोप है कि पुलिस ने अगर समय रहते ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया होता तो उनके बेटे की हत्या नहीं हुई रहती। मृतक के परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले वो घर से लापता हुआ था और उसका अपहरण किया गया था। अपहरण करने के बाद उसको पेड़ से बांध दिया गया। पेड़ से बांधने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। रात भर पिटाई करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। सिधवलिया पुलिस के मुताबिक मृतका की मां ज्योति देवी के बयान पर 5 लोगों के नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपियों में गांव के ही वीरेंद्र महतो, संतोष महतो, सोनू कुमार, आशा देवी और कृष्णा महतो शामिल हैं। पुलिस ने एक आरोपी आशा देवी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमर बेटा नाम हुई थाना छोड़ के हमारा बाबू को भगा दो तो उतार दे थाना छोड़ के हमारा बेटा के थाना में चोर तो हमारा बेटा बच गए रही थाना में चोर तो हमारा बेटा बच गए रही थो दादा हमारा बेटा के ना भगा दो और बेटा जा के और बाबू हमारा तला बाल ले वो सामने को थाना में जा तो थाना में जा हमारा बेटा चल जाए थाना में बाबू के थाना वाला ने मार के हमारा बाबू को अच्छा राखे जान नानू मारी हमारा बाबू के थाना वाला हवाले लगा दे हां हवाले लगा दे रहे तो बाकी हमरा बाबू के अरे बाप रे हो दादा हमर बेटा थाना ले ले गए तो हमर बेटा मरी इतना मरी थाना ला उतार दे ले हमरा बेटा के हमर बेटा भागा के बेटा के हमरा फेर बांध में सब दो दवनी वाले लगा अब कनी के हवाले लगा दिए सब हमरा बेटा के हो दादा अरे बाप कैसे घटना हुआ है? घटना हुआ है कि यहाँ पेड़ में लोग बांध दिया था तो पुलिस वाला आया तो उनको 2-4 डंडा मार के खोल के ले गया और ले जाने के बाद वो बाजार पर पेशाब कर दिया लड़का तो छोड़ दिया लोग तो लड़का भाग के आया आके इन्हीं के घर में फिर दोबारा वो ढूँक गया के लोग पतो मतारी दोनों आदमी बहुत लोग डंडा तोड़ दिया सब मार मार के उसके बाद में यह पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद लोग बांधे रखा छोड़ दिया सब। छोड़ने के बाद में उठा के रात में 12 बजे रात को उधर ले गया है सब उधर वो खाला बांध दिया। अब बांधने के बाद में अब क्या किया है सब अब उसके बारे में हम नहीं बता पाए। लाश मिला है ना? हाँ लाश मिल गया। क्या नाम है लड़का का? क्या नाम है बुआ का? अजय। अजय अजय नाम है उसका। किसका बेटा है? रामचंद्र सहनी का। आपका क्या नाम है? मेरा विद्या सहनी नाम है। मैं 5 तारीख को थाने में एक आवेदन दिया गया कि एक लड़का है जिसकी मदर ने आवेदन दिया कि कुछ लोगों के द्वारा 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, इनके द्वारा चोरी का आरोप लगा के इनकी मारपीट की गई और उनको आशंका है कि उनका अपहरण हत्या हेतु उनका अपहरण कर लिया गया है। और 6 तारीख को कल गोविंदगंज थाना अंतर्गत मोतिहारी में है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली जिसको हम लोगों ने उसी युवक के तौर पर आइडेंटिफाई किया और जब FIR के बाद से पुलिस काम कर रही थी अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन जल्द ही जो इसमें 5 अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाएगा। क्या मामला था? किस लिए अपहरण किया गया?
अपहरण का अभी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसे ही गिरफ्तारियां होंगी।